खेल खेल में की शूटिंग के लिए इन दिनों बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार उदयपुर आए हुए हैं। ऐसे में आज अक्षय कुमार उदयपुर के खेरवाड़ा पहुंचे। उदयपुर के राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद को अक्षय कुमार 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। परिषद का एक पहले से ही हॉस्टल है जो अक्षय के पिता हरिओम के नाम से परिषद के कैंपस में चल रहा है। इसमें आदिवासी बच्चे रहते हैं। अक्षय ने हॉस्टल में पहुंचकर बच्चों के साथ खूब मस्ती की, आरती में भी शामिल हुए और भजन गाए। राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद के जनजाति सुरक्षा मंच के प्रदेश संयोजक लालू राम ने बताया कि खेरवाड़ा के खोकादरा गांव में परिषद का हॉस्टल है। रोज की तरह बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे यहां आरती होने वाली थी। अचानक कई गाड़ियों का काफिला यहां रुका, सभी चौंक गए। सब सोचने लगे कि इतनी गाड़ियां एक साथ हॉस्टल में कहां से आई है और क्यों आई है। अचानक सबकी नजरें गाड़ी से उतरे अक्षय कुमार पर गई। उन्हें देखकर बच्चों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने प्रोग्राम के बारे में अक्षय ने किसी को नहीं बताया, वे बच्चों को सरप्राइज देने आए थे। उन्होंने यहाँ बच्चों के साथ समय बिताया, बच्चों से परिचय लिया, उनके साथ खूब खेले और बच्चों के साथ जमकर सेल्फियां ली। हॉस्टल में अक्षय करीब 15 मिनट रुके। इस दौरान उन्हें मालूम चला कि कुछ देर में आरती शुरू होने वाली है, तो वे भी रुक गए और ओम जय जगदीश हरे गाया। अक्षय कुमार ने इसी क्षेत्र में गर्ल्स हॉस्टल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इसके लिए उन्होंने आदिवासी कल्याण परिषद के पदाधिकारियों से कहा है कि वे जमीन देखना शुरू करें ताकि हॉस्टल का निर्माण किया जा सके। प्रदेश संयोजक लालू राम ने कहा, साल भर पहले अक्षय ने यहां वनवासी कल्याण परिषद के छात्रावास और भवन निर्माण में सहयोग किया था। उन्होंने इसके लिए दान दिया था। इसका नाम राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद हरिओम आश्रम छात्रावास है। बुधवार को अक्षय कुमार शूटिंग के बिजी शेड्यूल को छोड़कर यहां आए और गर्ल्स हॉस्टल के लिए 1 करोड़ रुपए दान देने की घोषणा की है। ऐसे में सभी में खुशी की लहर है। इस वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।